बच्ची का कहा था ना कि बज़्मे असमत सजी है जन्नत में, बज़्मे असमत सजी है जन्नत में, और धमाली है हशमतो अजमत, और धमाली है हशमतो अजमत। इसलिए कि ये उन्हीं का सिलसिला है, उन्हीं के रंग है, उन्हीं की सिलसिला है, उन्हीं की खुशबू का नाम इजार अहमद गुलजार है, उन्हीं की खुशबू का नाम जो है वो फयाज अहमद कादरी है, उन्हीं की सिलसिले से आगे जो अदील बैठा हुआ अजीशान है और नाचीज है, ये उन्हीं का फैज़ है, उन्हीं की बरकतें हैं। उनका जिक्र तो जितना करें उतना ही कम है, जितना करें बहुत सी इतनी इतनी प्यारी प्यारी बातें, प्यारी प्यारी यादें। यहाँ पर मैं छोटी सी बात कर दूँ, एक दफ़ा मैं एजुकेशन कॉलेज में बीएड कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने मुकाबले के लिए नज्म जो है लिख ली मैंने, मिल्लत का पासवां है मोहम्मद इल्तिमिश, उसके मैंने लिखा कि उसमें वो ना था वो जैसे उन्होंने भी बड़ा कहा कि बड़ा खूबसूरत था कि नरगस हज़ार साल रही जिसकी मुंतज़िर, नरगस हज़ार साल रही जिसकी मुंतज़िर, वो मीर कारवां है मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत ये उस पर इस तरह के मैंने उन्हें दिखाया। और उस वक्त फिर मज़र कलीम मज़र साहब वो उनके पास गया, साहब जी मैंने भी हिस्सा लेना है, और रियाज भी है भाई भी है लेकिन मैंने भी हिस्सा लेना है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उनको फिर उन्होंने नज़्म लिख के दी, और लिख के दी, पढ़ने के बाद जब वहाँ पर गए तो फिर मेरी नज़्म का दूसरा नंबर था मज़र की नज़्म, यानी अजमत का, अजमत साहब की अजमत ये थी कि उनकी नज़्म जो उन्होंने लिख के दी थी उसको पहला इनाम मिला और मुझे जो था वो दूसरा नंबर था। इसलिए मैं वो उनके लिए जो मुझे इस पर आज़ाद फ़ख्र है, मैं उन्हें यह कहा करता हूँ आजम साहब के अजमत फैसलाबाद, अजमत फैसलाबाद। मैं मुझे याद है कि पहली दफ़ा जब बज़्मे कलीम की एक मजलिस में मुझे उन्हें बुलाने का एजाज मौका था, मैंने उन्हें यह कहा कि अजमत फैसलाबाद है, अजमतुल्लाह खान साहब अजमत फैसलाबाद है, पहचान है, उनका नाम दायम रहेगा इंशाल्लाह, जब तक हम हैं रहेगा, बल्कि इंशाल्लाह हमारे बाद भी रहेगा, हमारे बाद इंशाल्लाह अंधेरा नहीं उजाला है, उजाला है। जनाब डॉक्टर याद है।